हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना के दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म पर एक बार फिर हंगामा हो रहा है, काफी हलचल हो रही है। ये देखिए एक टीम पहुंची हुई है जो कि बीएमसी कर्मचारी, और ये अंदर जा रहे हैं और देखिए किस प्रकार से अंदर जाने की, अंदर तीन लोग गए हुए हैं जो काफी देर से बाहर मौजूद थे। और ये कौन थे कर्मचारी, क्या ये कंगना की टीम की तरफ से थे, क्या उनकी लीगल टीम की तरफ से थे, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले जब बीएमसी के चार कर्मचारी आए हुए थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। उन चार कर्मचारियों ने यहाँ पर नोटिस चिपका दिया और यहाँ पर स्टॉप वर्क नोटिस चिपका दिया है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर परमिशन लेटर दिखानी होगी कि किन इजाजत के तहत उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया है। वो इजाजत लेटर अगर नहीं दिखाती है तो 24 घंटे बाद बीएमसी कानूनन कार्रवाई कर सकती है, तोड़क कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ लोग अंदर गए हैं, संभवतः वो कंगना की टीम से हो सकते हैं और इसीलिए वो अंदर गए हैं ताकि आगे की प्रक्रिया, आगे की जांच पड़ताल या बातचीत की जा सके। और आपको बता दें कि अंदर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने दरवाजा खोला, जिसके बाद कंगना की टीम के जो सदस्य हैं वो अंदर गए हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बीएमसी ने नोटिस जारी किया हुआ है और नोटिस जारी करने के बाद ये जो स्टॉप वर्क नोटिस जारी किया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 354A के तहत, उसी संबंध में, उसी संदर्भ में बात करने के लिए ये जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। और एक तरफ जहाँ कंगना खुद ट्विटर के माध्यम से लिख रही हैं कि ये इस प्रकार का बीएमसी ने एक्शन लिया हुआ है, और दूसरी तरफ बीएमसी ने नोटिस चिपकाने के बाद बीएमसी की टीम तो चली गई है लेकिन अब कंगना की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, तो एक बार लगातार फिर से हलचल हो रही है। एक बड़ी डेवलपमेंट, एक आज जो महत्वपूर्ण एक रिया का प्रकरण चल रहा है, वहीं आप देखिए मुंबई पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है। या आप मुंबई पुलिस की टीम देख सकते हैं जो यहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि यहां भी काफ़ी जमावड़ा हो रहा है। जो आसपास से गुजरने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि यहां पर कंगना रनौत का दफ्तर है, इसलिए भी टीम यहां पर पहुंची। देखिए आप सुरक्षा के लिहाज से और लॉ एंड ऑर्डर पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए मुंबई पुलिस की टीम भी लगातार यहाँ पर गश्त लगा रही है, टीम तैनात है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कंगना रनौत और संजय राउत का पूरा विवाद बढ़ा है उसके बाद से कंगना रनौत की मुश्किलें इस तरह से बढ़ाई जा रही है कि अब बीएमसी के जो कर्मचारी, उन्होंने नोटिस जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि ये जो मणिकर्णिका फिल्म्स है नंबर 5 का ये बंगलो आप देख रहे हैं, ये बंगलो तो काफ़ी समय से है, लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि कई अवैध निर्माण किए गए हैं, कई जो निर्माण कार्य किए गए हैं उसमें छेड़खानी की गई है। मसलन जो किचन का एरिया है, टॉयलेट का एरिया है, पूजा घर बनाया गया है, मीटिंग एरिया बनाया गया है, इसमें नियमों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य किया गया है, इसीलिए स्टॉप वर्क ऑर्डर का नोटिस जारी किया गया है। 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा कि क्यों उन पर तोड़क कार्रवाई ना हो, उनके इस इमारत पर तोड़क कार्रवाई ना हो, और उन्हें ये इजाज़त, क्या उन्होंने इजाज़त हासिल की थी, उस परमिशन लेटर को उपलब्ध कराना होगा बीएमसी कर्मचारियों के सामने, अधिकारियों के सामने। इसीलिए जो आप देख सकते हैं कि एच वेस्ट जो कि वार्ड आता है यहाँ का बांद्रा का, उस वार्ड के अधिकारी ने ये नोटिस छिपाया हुआ है और उसके तहत ये कार्रवाई की नोटिस दी है। अब कंगना की टीम भी सक्रिय हो गई है और कंगना की टीम की तरफ से कुछ लोग अंदर दाखिल हुए हैं जो कि आगे की रणनीति तय करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।